करने वाली हूँ कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस फॉर मिसआर्टिकुलेशन। जिन बच्चों को मिसआर्टिकुलेशन है, मिसआर्टिकुलेशन मतलब अनक्लियर स्पीच, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा या आई बटन में दे दूंगी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, वेरी बेसिक मिसआर्टिकुलेशन का कंसेप्ट दिया हुआ है विद स्पीच साउंड चार्ट, जो बच्चे में डेवलप होता है एज वाइज। ये एक्सरसाइजेस बहुत ही छोटे बच्चों के लिए भी है, या आप डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको भी मिसआर्टिकुलेशन की दिक्कत है, टंग मूवमेंट की दिक्कत है, ज़्यादा टंग मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके लिए वेरी बेसिक एक्सरसाइज। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, ये ज्यादा एडवांस्ड एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो इन केसेस में आप ये वाली पैसिव एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई हैं, तो ये सारी एक्सरसाइजेस करवाएंगे, और इनके साथ ये वाली जो मैं अभी बताऊंगी, ये वाली एक्सरसाइज करवानी है अगर बच्चे कर पाते हैं तो। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ स्पीच एंड हियरिंग, हियरिंग एड्स, डिजेबिलिटी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड है या आपको ज़रूरत है ऐसे वीडियोस की, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करो। पहले देख लेते हैं टंग एक्सरसाइज। टंग एक्सरसाइज मैं थ्री पार्ट्स में दिखाऊंगी, प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन और राउंडिंग। तो ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ही धीरे धीरे करनी है, ताकि बच्चे के टंग में स्टेबिलिटी आए, बच्चा होल्ड करना सीखे। नेक्स्ट है लिकिंग। लिकिंग मतलब चाटना। किसी भी लॉलीपॉप पकड़ा दीजिए या आइसक्रीम स्टिक पकड़ा दीजिए, आइसक्रीम स्टिक मेल्ट हो जाता है, मैसी हो जाता है, तो लॉलीपॉप पकड़ा दीजिए और बच्चे को करके चाटने दीजिए, चाट के खुद में निगलने दीजिए। इस तरह से आप चीनी दे सकते हो एक कटोरी में और बच्चे को करके चाटने दीजिए। आप पानी दे सकते हो, पानी पीने दीजिए उस तरह से, ठीक है। पीने क्या, जस्ट वो एक्सरसाइज की तरह ही आप करवाइए। मीठा कुछ या कुछ भी जो बच्चे को पसंद है, हनी टाइप का कुछ दे सकते हो जो चाट के वो अंदर ले, ठीक है। इससे स्वेलोइंग भी आएगी और चाटने का जो टंग मूवमेंट है वो भी अच्छा होगा। थर्ड है ला 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 ला। ये ला ला जो बोलना है, मुंह खोल के बोलना है, मुंह बंद करके नहीं। पहले बच्चे को बोलिए मुंह खोलने के लिए, ठीक है, उसके बाद ला 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 करना है। और ला ला जैसे ही बच्चा करता है आपने स्पीच साउंड की शुरुआत कर दी है। अच्छा, बहुत बच्चे हैं जो ला नहीं बोल पाते क्योंकि जीभ ऊपर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों में आप प्रैक्टिस करवाते रहो। अगर बच्चा बोल लेता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बोल पाता है तो आप ता 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 ही करवा सकते हो, ठीक है, वो भी एक स्पीच साउंड है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे स्पीच साउंड की शुरुआत भी कर देते हैं। अब आ जाते हैं बहुत ही मजेदार लिप एक्सरसाइजेस, जो कि अभी हम लोग हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, बच्चे भी बहुत मजे से ये करते हैं। ये जो एक्सरसाइजेस है, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, गाड़ी चलाते वक्त हम लोग भू करके करते थे, तो ये बहुत ही अच्छा एक लिप एक्सरसाइजेस है। कोई भी बच्चा अगर ये करे तो उसको कभी डांटना नहीं है, दैट इज अ वेरी गुड लिप एक्सरसाइज, ठीक है, उसको डांटना नहीं है बल्कि एनकरेज करो। दूसरा है पाउटिंग। हम लोग जब सेल्फी लेते हैं तो करते हैं ना, तो यही चीज बच्चे को करवानी है, ठीक है, सेल्फी लो और इस तरह से करवाओ, ठीक है। तो ये है पाउटिंग एंड रिट्रैक्शन। नेक्स्ट है पर्सिंग। पर्सिंग मतलब पर्सिंग के साथ आ बोलना। पर्सिंग क्या होता है, पर्सिंग मतलब दोनों लिप्स प्रेस करना, जैसे पा, पा,
ठीक है, प्रेस करके आ बोलना तो पा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पीच साउंड निकल रहा है, जितना भी मैंने टंग मूवमेंट और लिप मूवमेंट का दिखाया वो आप 10-10 टाइम्स करवाओगे सुबह शाम या इवनिंग, 3 बार आप करवा सकते हो, मैक्सिमम 2 बार भी करवाओगे तो चलेगा, लेकिन रेगुलर करवाना है। और थोड़ा गैप दे देकर करवाइए क्योंकि बच्चे काफी थक जाते हैं, उनका मसल्स एक बार में ही 10-10 टाइम्स इतना सारा, अगर 4-5 एक्सरसाइजेस करवाओगे तो थक जाएंगे बच्चे, नहीं करना चाहेंगे दोबारा, तो आप थोड़ा सा गैप ले लेके उनको रेस्ट देकर फिर से करवाइए। इन सारे एक्सरसाइजेस से बच्चे की ड्रूलिंग कम होगी, च्यूइंग आएगी, लिप टंग स्ट्रेंथनिंग होगी, और जिन बच्चों ने अभी स्पीच नहीं शुरू की है उनकी भी स्पीच साउंड से शुरुआत हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसे लिंक्स दे दूंगी जिससे च्यूइंग ट्यूब और ब्रशिंग टूल्स, ठीक है, जिससे आप मसाज करवा के और भी एनहेंस कर सकते हो चीज़ों को। अगर आपको कुछ एडवांस्ड एक्सरसाइजेस देखनी है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, जैसे मुझे नहीं पता कि आप किस वजह से मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका बच्चा कितना एडवांस्ड है, ठीक है, तो कौन से लेवल पे है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें बहुत सारे थोड़े से एडवांस्ड एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। या अगर आपके बच्चे में ड्रूलिंग है, च्यूइंग नहीं है, सकिंग नहीं है, बच्चा खुद से कुछ भी टंग मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा, इसमें ओरोमोटर मसाज है, ठीक है, तरह तरीके से मसाज है जो बच्चे खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पैसिव एक्सरसाइजेस करवाना होता है, तो ये है पैसिव एक्सरसाइजेस का वीडियो। चैनल पे जाके एक बार सर्च जरूर कर लीजिए दूसरी वीडियोस को, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि इंटर रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। वीडियोस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग जाइए और उन्हें चेक कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और यूजफुल टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या कोई और भी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।